हाय जफर भाई। हाय रोहित, हाउ आर यू? फाइन। आज हम लोग स्टॉक ऑप्शन बाइंग सीखने वाले हैं, है ना? राइट राइट। वेयर एज ऑप्शन बाइंग में आपका जितना कैपिटल है तो आपका लॉस उतना ही होगा इन वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केसेस। ठीक है। सेकंड, लिवरेज। ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग में आपको लिवरेज मिलती है, आप कम कैपिटल में जो बड़ा नोशनल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीद रहे हो। उसके बाद में ये 4-5 दिन का करेक्शन आ गया तो देन ही विल नॉट बी एबल टू होल्ड द पोजिशन, क्योंकि अनसर्टनिटी क्रिएट हो जाएगी कि अब होने वाला क्या है। दूसरा चीज ये है कि इसमें रिस्क बढ़ा है, आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इंडेक्स कोई भी डायरेक्शन में हो, आपको इफ यू स्कैन प्रॉपरली तो आपको, अगर आप टॉप 50 काउंटर्स लेते हो तो उसमें आपको ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जो कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है। मुझे दो चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं इसके अंदर। मतलब आपने ना जो कुछ बातें कही ना इसके अंदर, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिकॉज होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर, FNO स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली जब ब्रेकआउट आता है ना, रिटेल उसके अंदर तब एंटर करना शुरू करता है जब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप उस टाइम पे ऑप्शंस के अंदर एंटर करोगे, ऑप्शन बाइंग के अंदर, आपको जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड इंक्रीज की वजह से बिड बहुत बड़े बड़े मिलने शुरू हो जाएंगे या फिर बहुत हायर प्राइसेस पे मिलने होंगे। तो यहाँ पर भी ये स्ट्रेटेजी में जो डिसीजन पॉइंट्स है वो हमारे काफी कॉन्क्रीट है। उसके वजह से इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो जनरली न्यू कमर्स से रिटेलर्स में होता है कि प्राइस देख के ललचा जाते हैं तो ऊपर बाय कर लेते हैं, फिर जब पुल बैक आता है, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो आपको ट्रेंड अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें 3-4-5 दिन का पुल बैक आना ही है। तो आपने जब प्राइस स्ट्रांग था वो टाइम पे एंटर हो गए, फिर उसके बाद 3-4 दिन का पुल बैक आ गया तो वहां पे फिर पैनिक करके फिर पोजिशन एग्जिट कर दी। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी हैव विद अस जफर शेख, हु इज एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डिसीजंस, प्रोफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, स्किल्ड इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, मैनेजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन प्रोफेशन बट स्विच्ड हिज कैरियर टू फाइनेंस व्हेन ही डिस्कवर्ड हिज पैशन। He trades future and options with short-term orientation for income generation and does investment in stock with long-term view for wealth creation. Hi, Zafar bhai. हाय रोहित, हाउ आर यू? Fine. आज हम लोग स्टॉक ऑप्शन बाइंग सीखने वाले हैं, है ना? राइट राइट। ओवर टू यू। आपके पास मैंने दे दिया हुआ है, अब आप देखिए इस चीज को कैसे समझाना है। आई एम हेयर एज अ लर्नर। अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस हुए तो मैं आपसे जरूर बीच बीच में पूछता रहूंगा। चलो ठीक है। सो लेट स्टार्ट। आज का हमने जो टॉपिक टॉपिक चूज किया है दैट इज पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन बाइंग। अभी जब रोहित ने मुझसे बात किया था कि कुछ एक सेशन करते हैं रिगार्डिंग लर्निंग, तो मैं इस पर थोड़ा सा सोचा एंड आई थॉट दैट नाउ डेज द मोस्ट पॉपुलर थिंग इज डूइंग इंडेक्स ट्रेडिंग, दैट इज बैंक निफ्टी निफ्टी, एंड दैट टू मोस्ट ऑफ द पीपल आर बीइंग टॉट टू डू ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग में ऐसा है कि जिनको ऑप्शन सेलिंग की रिस्क समझ में आती है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, उनके लिए अच्छा है। बट नाउ डेज लॉट ऑफ रिटेलर्स एंड न्यू कमर्स आर बीइंग टोल्ड टू डू ऑप्शन सेलिंग, और उसमें कि उनको रिस्क जो है वो पता नहीं, उसके वजह से काफी लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। सेबी का रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो तो सभी को पता है, 89% लोग जो है वो मोस्टली FNO ट्रेडिंग में लॉस में जाते हैं, और पर्टिकुलरली जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो अकाउंट वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज वैसे ही मार्केट वोलेटाइल हो गई है। इट हैज बिकम वेरी क्राउडेड मार्केट एट इंडेक्स ऑप्शन बाइंग एज वेल एज सेलिंग। सो आई थॉट दैट लेट्स एक्सप्लोर समथिंग विच इज नॉट वेरी पॉपुलर एंड विच कैन बी अ सेफ एंड साउंड वे ऑफ मेकिंग अ कंसिस्टेंट मनी। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, पोजिशनल स्टॉक ऑप्शन बाइंग। इसका बेसिकली थीम ऐसा है कि हमको मोस्ट जो लिक्विड स्टॉक्स रहते हैं, वन कैन स्टिक टू टॉप 50 FNO स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, तो इसमें स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है। एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड विद क्वाइट लेस कैपिटल, यू कैन जनरेट बेटर परसेंटेज वाइज रिटर्न कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में क्रक्स ये होता है कि एक तो आपको मार्केट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन सही पकड़ती आनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज टाइमिंग ऑफ योर एंट्री हैज टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, क्योंकि इसमें डिसएडवांटेज होता है टाइम डीके का।
सो इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक में जाएंगे कि स्टॉक ऑप्शन बाइंग के एडवांटेजेस क्या है। नंबर वन, लिमिटेड रिस्क, आपको ऑप्शन प्रीमियम ही भरना है। ऑब्वियसली द डाउन साइड इज गोइंग टू बी, जैसे आपका ऑप्शन एक्सपायर हो गया, वर्कलेस तो जीरो हो सकता है। बट इफ यू प्रॉप मैनेज योर रिस्क विथ स्टॉप लॉस और टाइमली एग्जिट, तो इसमें रिस्क जो है वो आपकी डिफाइंड रहती है। ऑप्शन सेलिंग जैसे अनडिफाइंड नहीं होती। जैसे ऑप्शन सेलिंग में जितना आपका कैपिटल है उससे भी कहीं ज्यादा आपको लॉस हो सकता है थ्योरेटिकली, वेयर एज ऑप्शन बाइंग में आपका जितना कैपिटल है तो आपका लॉस उतना ही होगा इन वर्स्ट ऑफ वर्स्ट केसेस। ठीक है। सेकंड, लिवरेज। ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग में आपको लिवरेज मिलती है, आप कम कैपिटल में जो बड़ा नोशनल वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है वो खरीद रहे हो, तो यू गेट लिवरेज देयर। थर्ड इज कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। मोस्टली जो स्टॉक ऑप्शन रहते हैं तो दे विल ट्रेड, ऑप्शन प्रीमियम विल ट्रेड इन द रेंज ऑफ से लेट से 10,000 एंड अबोव दैट। तो जिनकी कैपिटल कम है वो भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। फोर्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। अब आप इंडेक्स करोगे तो आपको इंडेक्स में डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शंस वैसे कम है, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, तो उनका ट्रेंड लगभग सेम ही चलेगा, तो वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस नहीं है। वेयर स्टॉक्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन के बहुत चांसेस है। इंडेक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो जरूरी नहीं कि सारे ही स्टॉक वही डायरेक्शन में जाएंगे। कोई डायरेक्शन, कोई स्टॉक जो रहते हैं वो इंडेक्स के साथ में चलेंगे, कोई स्टॉक जो रहते हैं वो उनका ट्रेंड अपोजिट होगा। और यहाँ पर डेली अपॉर्चुनिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स में या तो इंडेक्स का ट्रेंड चॉपी होगा या इंडेक्स साइडवेज होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो टाइम सारे ही स्टॉक नॉन मोमेंटम में होंगे या साइडवेज जोन में होंगे। कोई ना कोई स्टॉक तो आपको मिलेगा ही जो ट्रेंडिंग फेज में है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शंस में कई तरह के आप स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक नेकेड कॉल बाय या पुट बाय करके रखना है। तो यू कैन हैव स्प्रेड्स, यू कैन हैव बटरफ्लाइज और यू कैन हैव कॉन्डर। ऑल दिस लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजीज कैन बी डिप्लॉयड इन स्टॉक ऑप्शन। और ये काफी लेस क्राउडेड है, मतलब मैं जितना ट्विटर पर एक्टिव हूँ तो देखता हूँ, सुनता हूँ लोगों को, तो स्टॉक ऑप्शंस की जनरली कोई बात नहीं करता है। सबके सब लोग जो है मोस्टली इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये लेस क्राउडेड है, उतना स्पाइकी मूवमेंट जैसे इंडेक्स में आते वैसे अभी स्टॉक ऑप्शंस में है नहीं। अब ये हो गया डिसएडवांटेजेस। ऑब्वियसली हर स्ट्रेटेजी के डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो स्टॉक ऑप्शंस के डिसएडवांटेजेस क्या है वो एक बार देख लेंगे। एक तो एक्सपायरी है, हर मंथली एक्सपायरी होती है स्टॉक ऑप्शन में, तो एक्सपायरी का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, उसी में आपको डिसीजन लेना है। आपको इसमें रोल ओवर, जैसे फ्यूचर में हम रोल ओवर करते हैं कि ये महीने में अगर व्यू वर्कआउट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर रोल ओवर कर लेंगे, वैसी प्रोविजन यहाँ पर है नहीं। ऑप्शन जो है मंथ एंड में सेटल होना है, तो आपको टाइम फ्रेड जो है एक्शन का वो लिमिटेड है। सेकेंड, लॉस ऑफ प्रीमियम। सभी को पता है ऑप्शंस में बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू डीके होते रहता है, तो अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है, मान लो आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक में मूवमेंट आने वाला है बट आपने जब सोचा तब नहीं आया, वो नेक्स्ट वीक में आया, तब तक आपकी प्रीमियम जो है वो काफी डिके हो जाएगी। तो ये एक रिस्क फैक्टर है इसमें, और इसके वजह से बिकॉज ऑफ द टाइम डिके आपकी टाइमिंग एक्यूरेसी इसमें काफी होना चाहिए। जनरली लोग स्ट्रगल करते हैं डायरेक्शन के साथ में, और दूसरा चीज रहता है टाइमिंग, कि डायरेक्शन सही आइडेंटिफाई कर लिया तो भी उसको सही टाइम पे कैसे एंटर करना है, तो इसमें टाइमिंग एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी का एक इशू आता है, टॉप जो काउंटर्स है उसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी रहती है, जैसे रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे टॉप काउंटर ले लेंगे तो उसमें ऑप्शंस में काफी अच्छी लिक्विडिटी रहती है। बट बियॉन्ड दैट द चॉइस इज लिमिटेड। वंस यू गो बियॉन्ड टॉप 50 ऑफ द निफ्टी काउंटर, इवन टॉप 50 में भी कई बार ऐसे होता है कि डीपली इन द मनी हो गए ऑप्शन, तो फिर उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। तो लिक्विडिटी एक ये है, और लास्ट स्केलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी इश्यूज। और इसमें बिड आस्क में आप, मतलब आपको एग्जिट के लिए एफर्ट लेना होता है। इंडेक्स ऑप्शन जैसे नहीं है, जैसे आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो पोजिशन स्क्वेयर अप हो जाएगी, इसमें ऐसे नहीं, आपको एग्जिट थोड़ा केयरफुली और मोस्ट ऑफ द टाइम मैन्युअली करना पड़ता है, तो उसके वजह से स्केलेबिलिटी का एक इश्यू आ जाता है। अब जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, हम एक ही डायरेक्शन में अभी फोकस करेंगे, विच इज बाइंग अ कॉल ऑप्शन। मतलब हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उसके हिसाब से कॉल बाय करनी है, उसमें हम क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे। सेलिंग जो रहेगा, मतलब पुट ऑप्शन बाय करना है, तो जो भी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमारा टू टाइम फ्रेम अप्रोच रहने वाला है। व्हाट इज द टू टाइम फ्रेम अप्रोच? हम एक टाइम फ्रेम यूज करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस केस में हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे।
उसके बाद में जब डेली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड चलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वन डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होती है, एक थोड़ा मूवमेंट आता है, फिर उसके बाद पुल बैक आता है, फिर वापस से मूवमेंट आता है, तो इट गोज इन अ ज़िगज़ैग वे। तो उसका हमको बेनिफिट लेना है कि जब हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया देन वी विल बी वेटिंग फॉर पुल बैक ऑन डेली टाइम फ्रेम टू टेक अवर एंट्री। और एक बार पुल बैक आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद में हम ये एंट्री को ऑप्टिमाइज करेंगे यूजिंग इंट्राडे टाइम फ्रेम। तो इसको अभी स्टेप बाय स्टेप और डिटेलिंग करेंगे हम कि कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड रहते हैं वो कैसे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये है टेस्ला जो कि यूएस मार्केट का स्टॉक है, और इसका ये लास्ट वन ईयर का चार्ट है कि एक साल में, पिछले एक साल में इसमें कैसे कैसे मूवमेंट हुई है। तो इसमें मैंने फेजेस मार्क करके रखी है, आप देख सकते हैं कि पहले जो फर्स्ट फेज इज अप ट्रेंड, उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया, फिर डाउन ट्रेंड आया, अगेन अप ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट कीप्स ऑन हैपनिंग। अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो जनरल इसका ड्यूरेशन रहता है वो टेंटेटिवली फिक्स्ड रहता है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लग जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज ऑन फॉर मिनिमम 20 डेज, एंड अगर और ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, लंबा ट्रेंड चलता है, तो इट कैन गो फॉर 50 डेज। तो 20 दिन मिनिमम और 50 डेज मैक्सिमम, दैट इज द एवरेज जब डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड चलता है। तो हमको ये एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो उसमें उतना पीरियड रहता है, मतलब एवरी वीक, ऑलमोस्ट एवरी वीक देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि कहीं पे पुल बैक आएगा और वो ट्रेंड में हम वापस से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये 20 टू 50 डेज, मतलब लगभग 4 टू 10 वीक्स का डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड रहता है, और उसमें जो पुल बैक आते हैं उसका बेनिफिट लेके हम अपना एंट्री और एग्जिट टाइमिंग डिसाइड करने वाले हैं। आपने बेसिकली इसका बेसिकली एक टाइम साइकिल बना लिया कि ये इतने टाइम तक ट्रेंड में रहता है, इतने टाइम तक ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू कम टू एन एंड, और फिर मुझे उसके बाद ज्वाइन करना है उसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हमने जैसे मान लो कि अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, अप साइड में ट्रेंड लगा है, ठीक है, तो लेट्स से दैट ट्रेंड इज 5 डेज ओल्ड, 5 दिन पहले से ये ट्रेंड चालू हुआ, तो और कितना चलने वाला है, तो उसका ये एक ऑन एवरेज है कि ये ट्रेंड चलेगा लगभग 20 से 50 दिन चलता है, ठीक है। तो मान लो अभी 5 दिन हो गए ट्रेंड को और अगले 20 दिन तक चलना है, तो बचे हुए 15 दिन तो ये वन साइडेड नहीं जाने वाला, राइट। तो ये बचे हुए 15 दिन या 20 दिन जितना भी ट्रेंड चलना है उसमें हमको एक ज़िगज़ैग टाइप का मूवमेंट मिलेगा कि ये 2-3 दिन, 2 से 5 दिन का एक अपवर्ड मूवमेंट रहता है, फिर 2 से 5 दिन का करेक्टिव मूवमेंट रहता है, फिर 2 से 5 दिन का अपवर्ड मूवमेंट रहता है। तो ये जहां पर भी 2 से 5 दिन का एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये अप ट्रेंड है, उसके बाद में हमको जहां पर पुल बैक देता है वहां पे वी विल ट्राई टू एंटर फॉर नेक्स्ट लेग ऑफ अप स्विंग, ठीक है। तो इसमें ये जो डेली ट्रेंड जनरली चलता है 20 से 50 दिन, सिंपलेस्ट इंडिकेटर क्या है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बहुत सारे इंडिकेटर है, बट द मोस्ट बेसिक थिंग आई यूज इज स्पिन मूविंग एवरेज, 5 DMA और 10 DMA, ये 2 एवरेज लगाए, इनका जो ट्रेंड रहता है उससे हमको अभी वो पर्टिकुलर स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है उसका टेंटेटिव आइडिया आ जाता है। बहुत सारे बाकी पॉपुलर इंडिकेटर्स भी है, जैसे MACD है, ADX है, तो जिसको जो पसंद है डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसका जिसमें मास्टरी है वो लोग वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। व्हाट आई यूज इज बेसिकली दिस इज आफ्टर ट्रायल ऑफ मेनी मेनी इंडिकेटर्स। तो जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था तब बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स ट्राई किए, एंड देन आई रियलाइज दैट द मोस्ट सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट। तो बस 5 और 10 दिन का एवरेज देना है, देखना है, उससे पता चल जाएगा कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी जो ट्रेंड डेवलप होता है, जैसे हमने बोला 20 से 50 दिन ट्रेंड चलती है, तो कैसे ट्रेंड डेवलप होता है, तो ऑब्वियसली ऐसा वन शॉट तो ट्रेंड नहीं चलता है कि आज बढ़ना चालू हो और कंटिन्यूस 20 दिन बढ़ रहा है, या आज बढ़ना चालू हो कंटिन्यूस 40 दिन बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होता, इट गोज इन अ ज़िगज़ैग वे। तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली जो ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव है उसको हम इम्पल्स मूव बोलेंगे, और ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूव है उसको करेक्टिव मूव बोलेंगे। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कैसे रहता है, तो इम्पल्स मूव रहेगी आपकी 2 से 5 दिन, फिर करेक्टिव मूव भी आएगी तो 2 से 5 दिन। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं, ज्यादा इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाय गाइस, आप यहां तक पहुंचे हो तो आई होप दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो। द रीजन वी आर शेयरिंग दीज वीडियोस इज सो दैट ट्रेडिंग कम्युनिटी कैन गेट सम स्ट्रेटजीज व्हिच आर इम्प्लीमेंटेबल इन द लाइव मार्केट। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज दैट वी सी ऑन यूट्यूब आर ऑलवेज वेरी बेसिक एंड प्रैक्टिकली नॉट वर्किंग इन द लाइव मार्केट।
दैट इज़ वाई वी आर ब्रिंगिंग द रियल ट्रेडर्स एंड शूटिंग सम ग्रेट कॉन्टेंट विद दैम. द ओनली वे यू कैन सपोर्ट अस इज़ बाय लाइकिंग द वीडियोज, बाय पुटिंग योर कॉमेंट्स एंड शेयरिंग इट विद द फेलो ट्रेडर्स, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट टू अस. थैंक यू. ये टेस्ला में का ही एक मैंने अप ट्रेंड लिया है, जब ये $150 से $300 हो गया था, और उसपे जो उसका ट्रेंड का पाथ है तो वो मैंने मार्क किया है. दैट येलो लाइन इज द zigzag पाथ विच इट हैज टेकन. ठीक है रोहित, दिख रहा है ये क्लियरली? जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है. हाँ, तो इसमें जो येलो लाइन है ये zigzag पाथ है जैसे ट्रेंड डेवलप हुआ है. तो आप देखेंगे इसमें के ट्रेंड जो डेवलप हुआ है उसमें मल्टीपल करेक्शन आई है. यहाँ पर तो जस्ट स्टार्ट हुआ था ट्रेंड, उसके बाद में ये करेक्शन पुल बैक आई है, सेकंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, फोर्थ पुल बैक, फिफ्थ पुल बैक. ठीक है, उतने में ये जो स्टॉक है ये 160 से 300 तक पहुंच गया है, और इसने इस दौरान इस पीरियड में लगभग 4 से 5 अपॉर्चुनिटी दी है, जहां पे पुल बैक जो है वो हम आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें एंटर होके जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब ये पुल बैक का वेट क्यों करना है, तो जनरली ऑप्शंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका टाइमिंग, दूसरा लो रिस्क एंट्री. ठीक है, अब हम कहीं पे भी एंटर हो जाएंगे और उसके बाद में मान लो कि अगर कोई यहाँ पर एंटर हो गया, उसके बाद में ये 4-5 दिन का करेक्शन आ गया, तो देन ही विल नॉट बी एबल टू होल्ड द पोजीशन, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी कि अब होने वाला क्या है. दूसरा चीज ये है कि इसमें रिस्क बढ़ा है, आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा. तो ये जो पुल बैक हमने आइडेंटिफाई करना है, दिस इज फॉर टेकिंग द लो रिस्क एंट्री. अब उसको कैसे लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि 20 से 40 दिन का या 20 से 50 दिन का ट्रेंड होगा, इसमें प्राइस जो है वो वन वे नहीं जाएगा, इट विल गो इन अ zigzag फैशन एंड इट विल गिव मल्टीपल पुल बैक्स ड्यूरिंग द ट्रेंड टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड विथ लो रिस्क एंट्रीज. ठीक है, अब इसको क्वालिफाई कैसे करें कि पुल बैक कौन सा सही है, ऑब्जेक्टिवली उसको कैसे जज करें पुल बैक हुआ है कि नहीं. तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अब एक बार इस स्लाइड पीछे वापस जाता हूँ, इसमें दो एवरेज डाले जो हमने बताए थे कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो गए. तो ऑरेंज जो लाइन है दैट इज अ 5 डे मूविंग एवरेज 5 DMA, और ग्रीन लाइन जो है दैट इज 10 डे मूविंग एवरेज दैट इज 10 DMA. तो आप देखेंगे यहाँ पे जब 5 डे मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन के ऊपर है, दैट मीन 5 DMA इज अबाउट 10 DMA, तो यहाँ से आपको एक सिग्नल है कि ये अप ट्रेंड है. यहाँ पर एक विप्सॉ आया है जिसमें आपका जो ट्रेंड जो है वो डाउटफुल हो जाता है, उसके बाद में आप देखेंगे वापस से 5 DMA इज अबाउट 10 DMA, तो यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड का सिग्नल है. तो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग आई यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड. दूसरा चीज, आप हर पुल बैक देखेंगे, जो बेसिक मिनिमम हमारा क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया है कि पुल बैक को हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो जब वो नीचे आता है स्टॉक तो उस दिन का जो लो है, उस दिन के जो कैंडल है उसका लो है, दैट शुड बी मिनिमम बिलो 5 DMA. तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अप ट्रेंड, ये एक इंपल्स मूव था, उसके बाद में ये 2 दिन नीचे आया तो इट हैज टच दिस 5 DMA. अगेन आफ्टर दिस रन अप इट हैज कम डाउन एंड हियर आल्सो इट हैज टच 5 DMA. दिस पुल बैक वाज गॉन लिटिल बिट डीपर, उसके बाद में ये जो नेक्स्ट पुल बैक आया तो अगेन इट हैज एंटर्ड इनटू द 5 DMA. तो फर्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा कि जब पुल बैक होता है तो इट शुड टेस्ट मिनिमम 5 DMA, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखेंगे कि जब ट्रेंड इंटैक्ट है तो पुल बैक विल कम टू 5 DMA बट इट विल नॉट गो बिलो 10 DMA. तो ये 5 DMA का एक जोन होता है जिसको हम मीन रिविजन बोलते हैं, कि प्रीवियस जो इंपल्स मूव था उसका मीन रिविजन हो गया है और उसके बाद में इट इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रेंड. तो हमने ये देखना है कि पुल बैक जब हुआ है तो स्टॉक 5 DMA को टच हुआ है, और 10 DMA थोड़ा डीपर पुल बैक होगा तो 10 DMA तक जाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम वीक होगा तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए. ठीक है, बिलो 20 DMA जनरली ट्रेंड रिवर्सेस और मोमेंटम इज लॉस. तो अगर कोई पुल बैक में कोई स्टॉक में बहुत डीप पुल बैक हो जाता है और वो 20 DMA के नीचे चला जाता है तो हमने ये मान के चलना है या तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया या तो ये साइडवेज हो गया, उसको तरफ ध्यान नहीं देना है. ठीक है, तो हमको काम करना है कि जहां पर ये शैलो पुल बैक्स है, जो पुलबैक्स 5 DMA टू 10 DMA के बीच में आ रहे हैं, वहीं पे हमको एंट्री के लिए सोचना है. ठीक है, सो वेयर टू आइडेंटिफाई स्टॉक विच आर इन अप ट्रेंड, एंड उसके बाद में डे लो इज टचिंग 5 DMA बट द स्टॉक इज नॉट गोइंग बिलो 20 DMA. तो ये हमारा पुलबैक आइडेंटिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया हो गया. अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टॉक कौन सा अप ट्रेंड में है, सेकेंड उसमें पुलबैक आया है, अब हम उसको एंट्री टाइम करना है कि अब इसमें एंटर कहाँ पे करें.
तो वंस पुलबैक इज ओवर वी एंटर ऑन कंफर्मेशन ऑफ स्टार्ट नेक्स्ट इंपल मूव। ये कैसे करें? तो इसके लिए हम ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल यूज करते हैं, बट उसके लिए हम जाते हैं नीचे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल में हम कौन सा इंडिकेटर यूज करने वाले? मोस्ट बेसिक डोंकियन चैनल। डोंकियन चैनल क्या होता है कि लास्ट, मान लो अगर हमने डोंकियन चैनल का पैरामीटर 10 दिन रखा है, तो लास्ट 10 दिन का जो हाई है और लास्ट 10 दिन का जो लो है, इसकी एक एक लाइन बनाएगा। उसके हिसाब से ये जैसे प्राइस मूव होती है वैसे चैनल बनते जाता है। अब हमको डोंकियन चैनल को यूज करना है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। पर जफर भाई, डोंकियन चैनल ऐसा चीज है जो आई थिंक मुझे भी नहीं पता और मैक्सिमम यूजर्स को भी नहीं पता होगा कि होता कैसा है, दिखता कैसे है। ठीक है, तो हम इसको अभी ट्रेडिंग व्यू में एक स्टॉक में डोंकियन चैनल लगा के देख लेंगे। ठीक है, और जो हम लोगों ने बड़ा टाइम फ्रेम की बात की है वो डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, 5 and 10 DM। राइट। जफर भाई, वहां पे मेरा ना एक क्वेश्चन है आपसे। रिसेंटली जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, इवन स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, कई स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के अंदर भी हैं, दे आर लिक्विड आल्सो, ठीक है, बाय बीइंग हैवी वेट्स वो एक तो इतना ज्यादा मूव नहीं करते, बहुत ज्यादा मीन रिवर्स करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर कोई स्टॉक 5 or 10 DMA के ऊपर जा रहा है, दैट मींस इट इज हाईली ट्रेंडिंग। ऐसे में आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो 5-10 DMA के ऊपर वाले स्टॉक्स हैं वो हमें रेगुलरली मिल जाते हैं क्या इसके अंदर? Yes, मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स कोई भी डायरेक्शन में हो, आपको इफ यू स्कैन प्रॉपरली, तो आपको अगर आप टॉप 50 काउंटर्स लेते हो तो उसमें आपको ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, उनका 5-10 DMA एवरेज जो है वो पॉजिटिव में चल रहा है और सारे मोमेंटम इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है। और एट द सेम टाइम आपको ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और जिनका 5 to 5 and 10 DMA एवरेज जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अनलेस बहुत ही सीवियर एक साइड में इंडेक्स का ट्रेंड हो, अदरवाइज यू विल सी कि इंडेक्स का ट्रेंड कुछ भी होने दो, आपको स्टॉक दोनों डायरेक्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं, मतलब गलती ये करते हैं कि इंडेक्स से कोरिलेट करते हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो फिर स्टॉक शॉर्ट नहीं करना है, या निफ्टी नीचे जा रहा है तो स्टॉक बाय नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक उसके साथ में ही चलने वाले। बट मतलब मेरा भी ऐसा ही टेंडेंसी था, बट ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कोई भी 50 स्टॉक निफ्टी के स्टॉक ले लो, आपको उसमें अप ट्रेंडिंग स्टॉक भी मिलेंगे, डाउन ट्रेंडिंग भी स्टॉक मिलेंगे। अप ट्रेंडिंग स्टॉक वो रहते हैं जैसे निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो वो साइडवेज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं देंगे, और जैसे ही निफ्टी गिरना बंद हो जाएगा, द मोमेंट इट स्टार्ट्स स्टॉप्स फॉलिंग, दैट टाइम दिस स्ट्रॉन्ग स्टॉक विल अगेन स्टार्ट अ नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो ये स्टॉक डेली मिल जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड, आप एक दिन स्कैन करोगे आपको अप ट्रेंड वाले भी स्टॉक मिलेंगे, डाउन ट्रेंड वाले भी स्टॉक मिलेंगे। पर हमें एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि वो कितना टाइम ट्रेंड करते हैं और कितना टाइम पुल बैक करते हैं, सिर्फ एक 5 or 10 EMA की गेम नहीं है ये। नहीं देखो, डेली टाइम फ्रेम मतलब ये मल्टीपल टाइम फ्रेम का इश्यू हो जाता है, तो जितना हम उसमें जाएंगे उतना कंफ्यूज होते जाएंगे। इसके लिए मैंने पहले क्वालिफाई कर दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे एक बार 5/10 क्रॉस हो गया, ठीक है, और उसके बाद में उसमें फॉलो अप बाइंग दिखी, मतलब कि उसमें डेली ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया, वो कब तक चलेगा? तो ऑन एवरेज 4 to 10 weeks, मतलब 20 से 50 दिन तक वो ट्रेंड चलता है, और उसके बीच में हमको ये पुल बैक अपॉर्चुनिटी जो मिलती रहती है। पुल बैक कहाँ तक आते हैं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पुल बैक्स विल कम मिनिमम टू 5 DMA और जनरली 10 DMA से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी। So that is the zone where we have to identify कि एक पहला stock uptrend में है, दूसरा वो pullback zone में आया है, which is 5 to 10 DMA। फिर उसके बाद में हम intraday में timing करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा complicated लगेगा initially, but if someone practices it regularly, तो काफी easy होते जाएगा। और ये process के basically process define करने के, design करने के दो primary reason है, जो हम expectancy बोलते हैं कि हम market में सभी risk ले रहे हैं, ठीक है? जब रिस्क ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमको रिवार्ड कितना है, तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड होता है। वन इज योर विन रेट, कि आपने 10 ट्रेड लिए तो उसमें से आपके सक्सेसफुल ट्रेड कितने। सेकंड इज रिवार्ड रिस्क, रिवार्ड रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ योर स्टॉप लॉस एंड योर एग्जिट स्ट्रेटेजी। कम अमाउंट का आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो वहां पे आपका रिस्क कंटेन हो गया, और आप उसको प्रॉपरली ट्रेल करेंगे तो आपका वहां पे रिवार्ड बढ़ गया, राइट? तो उसके लिए जो पहले हमने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, इससे क्या हो गया कि हमारा जो
हम जो ट्रेंड ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ हायर ट्रेंड, तो वहां पर तो विन रेट का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। और सेकंड थिंग, जो हम इंट्राडे में एंट्री कर रहे हैं उसके वजह से हमारा रिस्क रिवार्ड जो है वो एनहांस हो जाता है। अब मैं यहाँ पे जो डोंकेन चैनल है वो लगा के दिखाता हूँ। सो ये डोंकेन चैनल है जो कि दो पैरेलल लाइंस है, स्टैंडर्ड इसका टाइम पीरियड होता है 20 बार्स, हमको यहाँ पे लेना है 8 बार्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। तो डोंकेन चैनल क्या करता है, बेसिकली सिर्फ ये लास्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 8 कैंडल्स का पीरियड सेट किया है, तो लास्ट 8 कैंडल का हाईएस्ट हाई और 8 कैंडल का लोएस्ट लो, ऐसी ये लाइंस जो है ये प्लॉट करते रहेगा, ठीक है, क्लियर है इसमें? ओके, तो ये डोंकेन चैनल इंडिकेटर है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डोंकेन चैनल प्लॉट करेंगे। जब ये डेली टाइम फ्रेम पर 3 to 5 डेज का करेक्शन चल रहा है, वो टाइम पे डोंकेन स्टेप बाय स्टेप नीचे आते रहेगा। हमको एंटर कब करना है, जब इसका ये जो नीचे आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होके हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर, मतलब ये ऊपर से लैडर के जैसे, सीढ़ी के जैसे जब ऊपर जाने का फर्स्ट सिग्नल देता है, वहां पर हमको एंटर करना है। तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइस जब करेक्ट हो रही है उसके बाद में कहीं से ना कहीं से रिवर्स होगी, तो इट विल हिट द अपर डोंकेन चैनल, जो डोंकेन चैनल की अपर लाइन है वो वहां पर हिट होगी, और वो हिट होने के बाद में इट विल रिटर्न टू द मिडल लाइन। अभी डोंकेन चैनल में जनरली 3 लाइन्स होती है, फर्स्ट लाइन जो है वो हायर, जो लास्ट 8 बार का हाइएस्ट हाई है, तो वो एक लाइन बनेगी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो हम हाईएस्ट हाई जो है उसको, हाईएस्ट हाई जो है उसको ग्रीन कर देंगे और लोएस्ट लो जो है उसको रेड कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं तो और क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें 3 लाइन है, अपर लाइन जो है दैट इज अपर डीसी जो है वो हाईएस्ट आए लास्ट 8 कैंडल का, लोअर जो लाइन है रेड दैट इज लोएस्ट लो ऑफ लास्ट 8 कैंडल्स, और मिडल लाइन जो रहती है उसको बेसिस बोलते हैं, विच इज एवरेज ऑफ दिस 2 लाइन्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, अभी इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मेटल स्टॉक ले लेते हैं, एनएमडीसी है, तो इसका यहाँ से लास्ट 3 दिन से देखो ट्रेंड नीचे चल रहा है, ये वो अपर डीसी को हिट करता है लेकिन एक सस्टेन नहीं होता और वहां से एक नया स्टेप नहीं बनाता है। ठीक है, इसने कहाँ पर नया स्टेप बनाया, तो यहाँ से ये इसका ट्रेंड नीचे चल रहा था, ये जो इसका ट्रेंड है ये यहाँ से यहाँ तक इसका नीचे ट्रेंड था, उसके बाद में इसने अपर डीसी को किया, और जब उसके बाद में अपर डीसी को टच करने के बाद में एक करेक्शन आया, तो ये करेक्शन में इसने लोअर डीसी जो है वो ब्रेच नहीं किया, उसके बाद में फॉलो अप में इसने वापस से एक अपर डीसी में न्यू हाई बनाया। ठीक है, न्यू स्टेप क्रिएट होती है, न्यू स्टेप क्रिएट होती है। तो अभी ये जो यहाँ से स्ट्रक्चर चल रहा था, लैडर जो है वो नीचे नीचे जा रहा था, अभी यहाँ से ये लैडर जो है ये ऊपर जाने को चालू हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जब यहाँ से जो नई स्टेप ऊपर के साइड में क्रिएट होगी वहां पर हमारा एंट्री पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि प्राइस शुड हिट अपर डीसी आफ्टर द रिसेंट करेक्शन ऑफ लास्ट 3-5 डेज, उसके बाद में एक थोड़ा सा पुल बैक हो जाएगा, तो इट विल ट्राई टू कम टूअर मिडल डीसी, और फिर जब ये मिडल डीसी में आता है, जनरली ये जो प्रोसेस है लगभग ये 3-4 घंटे का प्रोसेस रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये इसने ओपन होते से पहले कैंडल में अपर डीसी को मारा, भी 30 मिनट का कैंडल है। आफ्टर दैट इट हैड अ साइडवेज मूवमेंट ऑफ अराउंड 5 to 6 कैंडल, तो 5 to 6 कैंडल्स मतलब 2 से 3 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया लगभग, राइट। तो ये अपर डीसी मारने के बाद में 3 घंटा साइडवेज था, उसके बाद में फिर इसने अपर डीसी ब्रेकआउट कर दिया, तो इसने नया स्टेप जो है वो ऊपर बनाना चालू कर दिया। अब वही दिन बेसिकली बिकॉज देर वॉज अ सेलिंग टुवर्ड्स क्लोज, तो उसके बाद में ये रिट्रेस भी हो गया, बट अभी तक का इसका जो अपट्रेंड इसने एस्टेब्लिश किया है वो इनवैलिडेट नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये जहां पे अपर डीसी
बिकम्स फ्लैट फॉर एटलीस्ट टू कैंडल्स, मतलब ये जब यहाँ पे इसको टच कर देता है उसके बाद में कम से कम दो कैंडल ऐसी बनती है जिसने नया हाई नहीं बनाया, तो ये जो लाइन है अपर डीसी की ये फ्लैट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है रोहित? या फिर जब ये नेक्स्ट स्टेप बनाता है ऑन नेक्स्ट ब्रेकआउट अपर डीसी, ट्रेंड इज कंफर्म। तो यहाँ पे अभी हमने एनएमडीसी का अपर डेली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है वो नहीं देखा है, सिर्फ 30 मिनट पे हमने देखा है कि यहाँ पे पहले इसने टच किया, फिर वहां पे एक स्टेप बनाया बाय गोइंग साइडवेज, और फिर उसके बाद में इस कैंडल में इसने ये जो स्टेप है ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, और एक दो एग्जांपल लेके उससे और ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी इसमें एक केस स्टडी लेते हैं, जो पीडी लाइट इंडस्ट्री में रिसेंटली एक स्टॉक लिया था, इसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, इसमें के सारे हम इंडिकेटर हटा देंगे। फर्स्ट स्टेज हमको इसका जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करना है। तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखेंगे, इसमें हम इंडिकेटर लगाएंगे मूविंग एवरेजेस, और इसका जो पैरामीटर रहेगा मूविंग एवरेजेस का ये 510 रहेगा। ठीक है, अब डेली पे हमको क्या डिसीजन लेने हैं, दो ही डिसीजन लेने हैं कि एक तो स्टॉक अप ट्रेंड में है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये इसका जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में दिख रहा है बिकॉज 5-day and 10-day मूविंग एवरेज इज पॉजिटिव। ठीक है रोहित? यस, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको ट्रेंड का पता चल गया। सेकंड, इसमें पुल बैक जो है वो हमने बोला है कि 5-10 days के बीच वाला जो जोन है वहां पर पुल बैक होता है, तो यहाँ पे ये पुल बैक मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इट वॉज इन अप ट्रेंड एंड फर्स्ट पुल बैक वॉज हियर, सेकेंड अगेन देर वॉज अ पुल बैक। तो ये जो पुल बैक है इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पर अगर कहीं एंट्री मिले ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम देन आई वांट टू गो लॉन्ग ऑन दिस काउंटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमको हमने ये दो चीजें वैलिडेट कर ली डेली टाइम फ्रेम पे कि स्टॉक अप ट्रेंड में है फर्स्ट, सेकंड इसमें पुल बैक हुआ है विच कैन गिव अस अ लो रिस्क एंट्री फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रेंड। फिर यहाँ पे मेरा डेली टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया। ओके, इसके बाद में मुझे मूविंग एवरेज वगैरह कुछ भी नहीं देखनी है। मैं इसको जो ये जोन है पर्टिकुलर करेक्शन का उसको मैं 30 मिनट्स पे ट्रैक करना चालू कर दूंगा। सो लेट्स गो ऑन 30 मिनट्स एंड हियर आई विल प्लॉट डीसी। और इसका जो टाइम फ्रेम है हम 8 बार कर दिए। ठीक है, तो ये जो जोन था यहाँ पर ये करेक्टिव जोन था जिसको मैं मॉनिटर कर रहा था। अब इस पीरियड में इसने एक बार यहाँ पर अपर डीसी को हिट किया बट देर वॉज नो फॉलो अप आफ्टर दैट। ठीक है, तो जो एक लैडर बनना चाहिए, एक जो स्टेप बनना चाहिए वो यहाँ पर नहीं बना और फिर वापस से वो नीचे क्रैश हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, ये वापस यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये अपर डीसी टच करने के बाद में फिर एक मिडिल डीसी की तरफ एक करेक्शन आता है और यहाँ पर हमारा जो अपर डीसी है वो फ्लैट हो जाता है बिकॉज स्टॉक नया हाई क्रिएट नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द रिसेंट करेक्शन, इट हैज स्टार्टेड टू राइज, और उसके बाद में एक अपर डोंकिन चैनल का फ्लैट लैडर उसने क्रिएट कर दिया एंड एक माइनर पुल बैक हो गया इंट्राडे में। तो ये 4 कैंडल में पुल बैक हुआ है विच इज लाइक 2 आवर्स, तो 2 घंटा स्टॉक नीचे चला। फिर टुवर्ड्स द क्लोज इन द आफ्टरनून सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल इट ब्रोक आउट दिस फ्लैट ऑफ डीसी। ठीक है रोहित? ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री इस पॉइंट पे हुई ना फिर, राइट? तो ये जो कैंडल है यहाँ पर हमारा एंट्री कंफर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने जो भी स्टॉक ऑप्शन रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं बाइंग करता हूँ वो एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक्स देखता हूँ। तो ये 2885 पे हमारा ब्रेकआउट आया है लगभग, तो I will look at the strike which is liquid around this price which will be most likely 2900 क्योंकि round figure है और counter का भी size बड़ा है, तो 2900 के options में यहाँ पे liquidity होगी। तो I will buy the 2900 C and then I will see I will rather hope and wait for this trend to develop। ठीक है, फिर ये यहाँ पर entry confirm हुई, उसके बाद में trend कब तक चला है, तो ये पहला दिन था breakout का, उसके बाद में ये सेकंड डे है। दिस ग्रीन लाइंस ग्रे लाइंस बेसिकली इंडिकेट द 1 day ऑफ टाइम फ्रेम। तो 1, 2, 3, 4 दिन इसका ट्रेंड चला है, चौथे दिन यहाँ पर रिवर्सल आ गया।
आपने इसका स्टॉप लॉस फिर डॉन जेम्स चैनल लो के ऊपर रखा हुआ था इस टाइम पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगले स्टेप में हम इसमें स्टॉप लॉस कहां पर रखना है वो बताएंगे। तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? तो स्टॉप लॉस यहां पे, ये जो लोअर डीसी है, तो इसके नीचे जब प्राइस होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑलराइट, राइट। ये काफी लो रिस्क एंट्री रहता है। देखो यहाँ पर पीडी लाइट जैसा स्टॉक है उसमें यहाँ पर हमारा एंट्री कंफर्म हो रहा है अराउंड 2887 और उसका जो वो टाइम पे लोअर डीसी था दैट इज 2857, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक 1%। मुझे दो चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं इसके अंदर, मतलब आपने ना जो कुछ बातें कही ना इसके अंदर, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिकॉज होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर एफएनओ स्टॉक्स के अंदर स्पेसिफिकली जब ब्रेकआउट आता है ना, रिटेल उसके अंदर तब एंटर करना शुरू करता है जब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप उस टाइम पे ऑप्शंस के अंदर एंटर करोगे, ऑप्शन बाइंग के अंदर, आपको जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड इंक्रीज की वजह से बिड बहुत बड़े बड़े मिलने शुरू हो जाएंगे या फिर बहुत हायर प्राइसेस पे मिलने होंगे। थोड़ा सा भी अगर प्राइस कूल ऑफ करता होता है ना उस पॉइंट पे, तो अगर लेट से वहां पे बिड ऑफर चल रहा है 51-52 का, आपने जैसे ही बाई किया ना, बिकॉज आपकी एंग्जाइटी की वजह से आपने एक उसको बड़ी बार के ऊपर बाय किया हुआ है, आपको जो चीज 46-45 में मिल सकती थी आप उसको पहले 51 पे बाय करते हो। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपने एक रूल बना दिया हुआ है कि जब वो एक स्टेप दे देगा ऊपर को तो एटलीस्ट दो कैंडल वेट कर लेना वहां पे, राइट। तो वो जो एक इन्फ्लेटेड प्राइस होता है वो उतनी देर में ऑप्शन बाइंग के अंदर नीचे आ जाता है, राइट। एक तो वो प्राइस नीचे आ जाता है, दूसरा चीज इसमें मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपका ट्रेंड कंफर्मेशन यहाँ पे, ये देखो अपर डीसी, अगर डाउन ट्रेंड में भी है स्टॉक तो ये अपर डीसी को मारेगा ही, ठीक है। बट अगर डिमांड ज्यादा होगा तो उसके बाद में वो और प्राइस ऊपर जाके सस्टेन भी तो होना चाहिए, देन ओनली इट विल कंफर्म दैट यू हैव अ ट्रेंड इन प्लेस। अदरवाइज यहाँ पे आपको बहुत एंग्जाइटी में आपने सोचा कि यहाँ पे नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है यहाँ पे खरीद लू, यहाँ पे खरीदेंगे फिर इसके नीचे चला जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपका विन रेट जो है वो कम हो गया, राइट। यहाँ पर एटलीस्ट ये हमको पता चला कि सेलर उतने पावरफुल नहीं थे कि उन्होंने प्राइस को नए लो पे नहीं लेके गए, ओके। और फिर उसके बाद में जब नया स्टेप बनता है तो इट सिंपली टेल्स यू दैट डिमांड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सप्लाई, मतलब यहाँ पे बुल्स जो है वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए कंपेयर टू बेयर्स, तो उसमें जो आपके साइड में विन प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाता है, एंड अल्टीमेटली हमको वही चाहिए बिकॉज डायरेक्शनल का वैसे ही जो विन रेट रहता है वो कम रहता है। सो यू हैव टू फाइन ट्यून इट सो दैट योर विन रेट बिकम्स मोर सो दैट द स्ट्रेटजी बिकम्स सस्टेनेबल, ओके। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्राइक सिलेक्शन? एंड उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और पूछना है आपसे, आपको जैसे यहाँ पे मार्च के अंदर ये एंट्री मिली है अप्रोक्सीमेटली 24th मार्च के आसपास, ठीक है, 21st मार्च को एंट्री मिली अराउंड 4 o'clock, हाँ 21st मार्च के आसपास, दिस पीरियड वाज वेरी मच नियर टू द एक्सपायरी, राइट। तो इस केस में फिर आप स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हो, कि करंट मंथ की रखते हो कि नेक्स्ट मंथ में चले जाते हो, हाउ डू यू डू इट? हाँ, तो जनरली जो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी रहता है उसमें नेक्स्ट वीक पे चले जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। जो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी रहता है, जो मतलब लास्ट 4 दिन रह गए वो एक्सपायरी के, राइट, ठीक है, मंडे टू थर्सडे, तो जनरली आई सजेस्ट नॉट टू टेक पोजीशंस एट दैट टाइम, क्योंकि वहां पे टाइम डिके बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यस। तो मान लो अगर आपकी साइड में मूवमेंट जाता भी है लेकिन काफी स्लो जाता है तो यू विल लूज मच मोर ऑन टाइम डिके देन मेकिंग ऑन द ट्रेंड, ओके। तो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी आई जनरली सजेस्ट कि वो हफ्ते में फिर नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे चले जाना चाहिए, इट विल बी अ बिट मोर एक्सपेंसिव बट वहां पर टाइम डिके का रिस्क है वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेश सीरीज है तो वहां पे उतना ये नहीं। दूसरा ये भी चीज है कि अगर आप लास्ट वीक में कर रहे हो, लाइक इफ समबडी इज इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम एंड ही नोज द रिस्क ऑफ टाइम डिके इन लास्ट वीक, तो वहां पे कुछ रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं, ठीक है, सो दैट यू डोंट लूज मच ऑन द प्रीमियम, जैसे रेशियो स्प्रेड हो गया या फिर वर्टिकल स्प्रेड हो गया या बुलिश बटरफ्लाई या बुलिश कॉन्डोर, इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि बाय चांस अगर आपका स्ट्रेटेजी वर्कआउट ना हो तो
तो जो टाइम डिके की वजह से लॉस होता है उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए. ऑब्वियसली जो अपसाइड में रिवार्ड है वो भी कम हो जाएगा, बट इट विल ऑल्सो लेसन योर डाउनसाइड रिस्क. तो वो भी मैंने पॉइंट डाला है कि बेसिकली स्ट्राइक सिलेक्शन तो सिंपली जो करंट प्राइस चल रहा है उसके पास में कौन सी स्ट्राइक लिक्विड है वो देखना है. तो इट कैन बी वन स्ट्राइक इन द मनी और इट कैन बी वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी और ATM, एग्जैक्ट वही प्राइस चल रहा है. तो जनरली ये तीन स्ट्राइक में से ही हमको चूज करना है ऑप्शन बाइंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे जैसे अभी ये 2889 पे मुझे ब्रेकआउट मिला तो 2880 का भी स्ट्राइक होगा लेकिन उसमें उतना ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगा क्योंकि बड़े काउंटर में जो राउंड नंबर्स रहते हैं वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा रहता है. ओके तो यहाँ पे 2900 का जो कॉल रहेगा उसमें मुझे लिक्विडिटी बेटर रहेगी कंपेयर टू 2880. तो आई विल चूज दैट 2900 का कॉल and then hold this for next 2-3 sessions. Okay. ठीक है. तो ये यहाँ पे एंट्री क्लियर हो गया? जी हाँ. जब अपसाइड में हमारा स्टेप बन रहा है और स्टेप बनने के बाद में इट इज नॉट गोइंग बिलो द प्रीवियस लो एंड देन अगेन इट इज ब्रेकिंग दैट स्टेप, वहां पर हमारा एंट्री हो जाएगा. अब इसका एडवांटेज ये है कि आपका लो रिस्क एंट्री क्रिएट हो जाएगा. पिडिलाइट जैसा स्टॉक जहाँ पे 3000 का प्राइस 2900 का प्राइस चल रहा है वहां पे हम 1% रिस्क में एंटर कर रहे हैं. तो मान लो अगर ये ट्रेड फेल हो जाता है और ये 1% यहाँ से रिवर्स हो जाता है और ये नीचे का स्टेप ब्रेक कर देता है तो वी विल बी एग्जिटिंग. ठीक है. अदरवाइज 2900 के स्टॉक में 2-3% का फ्लक्चुएशन या मूवमेंट तो ऐसे ही नॉर्मल बात है. बट बिकॉज वी आर ड्रिलिंग डाउन दैट एंट्री टू द लोअर टाइम फ्रेम सो देन वी कैन टेक दिस लो रिस्क एंट्रीज. ओके ठीक है. ऐसा भी तो हो सकता है कि जब लोग हम एंट्री लेंगे तो हो सकता है जब तक हमारा एग्जिट आए तो जो डॉनचेन चैनल का जो लो पॉइंट है 8 कैंडल्स का वो थोड़ा ऊपर मूव कर चुका हो. उस पॉइंट ऊपर मूव होगा तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस जो है उसी के हिसाब से बनाने वाले हैं. दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस. ठीक है. तो ये इनिशियल स्टॉप लॉस विल बी पुल बैक लो प्रायर टू एंट्री कंफर्मेशन. मतलब ईसी में देखेंगे पीडीलाइट में तो हमारा एंट्री कंफर्मेशन हुआ है इस कैंडल पे. ठीक है. अब ये जब कैंडल इसने क्रिएट किया तो उसके पहले का जो पुल बैक लो था तो ऑब्वियसली इट वाज दैट लोअर डोंकिन चैनल जिसका वैल्यू अराउंड 2856. ठीक है. तो हमने एंट्री यहाँ पर लिया 2896 पे, फिर हमारा स्टॉप लॉस है 2856. अब इसको ट्रेल करने कैसे करना है तो ट्रेल स्टॉप लॉस एज पर लोअर डीसी. सेम जो प्रोसेस हमने बाइंग के लिए की थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में उसका प्रोसेस जो है वो रिवर्स करना है कि जब तक ये नीचे के डीसी को टच करके नया लो स्टेप नहीं बना रहे तब तक हम इसको चलने देंगे ऊपर. ठीक है. ठीक है. तो ये पूरे प्रोसेस में देखेंगे यहाँ से ये जो एंट्री कंफर्म हुआ राइट फ्रॉम देयर टिल दिस पीक आफ्टर 4 डेज तो यहाँ पे कहीं पे भी लोअर डीसी जो है वो टच नहीं हुआ. इट इज बेसिकली वर्क सिमिलर टू जो काफी पॉपुलर इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड. ठीक है. तो सुपर ट्रेंड के जैसे ही चलता है थोड़े बहुत उसमें डिविएशन है सुपर ट्रेंड और डीसी में. इफ समबडी इज कंफर्टेबल विद सुपर ट्रेंड ही कैन यूज इट. आई प्रिफर टू यूज डीसी बिकॉज इसमें जो ये स्टेप की क्लैरिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है जो सुपर ट्रेंड में नहीं होती है. तो वंस यू गॉट दिस अपट्रेंड फ्रॉम हियर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोअर डीसी जो ऊपर मूव हो रहा है. जैसे ऊपर मूव हो रहा है तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जा रहा है. मतलब यहाँ पे एंट्री कन्फर्म हुआ था एंड यू विल सी व्हेन दैट लोअर डीसी मूव्ड हियर इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे. मतलब इस दिन का क्लोज यहाँ पर है 2904 पे, अगले दिन ओपन हुआ है 2925 पे एंड आफ्टर द मॉर्निंग कंसोलिडेशन दिस लोअर डीसी हैज मूव्ड ऑलमोस्ट टू योर एंट्री पॉइंट. ठीक है. तो अगले दो घंटे में ही अगर आपके आपके डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ गया. राइट. या तो इससे रिस्क जो है वो काफी कम हो गया और फिर जैसे जैसे डीसी ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वो ट्रेड में रिस्क जो है वो कम होते जा रही है. तो आप इसको मॉनिटर करते रहो और जब भी ये लोअर साइड में डीसी ब्रिज करता हुआ दिखे तो वो टाइम पे यू कैन एग्जिट. एक्चुअली हमको एग्जिट उससे पहले ही करना है क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा टाइम दे के मतलब नहीं होता है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मतलब ऑप्शन प्राइस इटसेल्फ इज क्वाइट वोलेटाइल. सेकंडली इसमें पोजिशनल होने की वजह से ओवरनाइट का रिस्क रहता है. तो मान लो कि आपने 3 दिन का अपट्रेंड देख लिया और उस दिन 3rd डे पे वो थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो गया तो जनरली होता है कि अगले दिन वो गैप अप कर देगा. जो 3 दिन का आपने मेहनत करके पैसा बनाया था वो 4th दिन में रिवर्स हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें इफ यू आर डूइंग ओनली वन लॉट देन इट इज बेटर टू एग्जिट
इन द स्ट्रेंथ नॉट वेन द ट्रेंड रिवर्सेस, तो उसको कैसे करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या करना है, हम सिंपली जो ट्रेडिशनल आरएसआई इंडिकेटर है उसको यूज करेंगे, बट रॉ आरएसआई जो होता है उसके साथ में हम आरएसआई एवरेज भी यूज करेंगे, वो क्या है वो देखेंगे। तो इसको अभी मैं डंकन को हटा देता हूं, अब इंडिकेटर हमने इसमें आरएसआई लगा दिया। ट्रेडिंग वे में बाय डिफॉल्ट इसमें दो लाइन बनती है, एक बनता है रॉ आरएसआई विच इज दिस पर्पल लाइन, इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी एनहांस कर देंगे, और जो ठीक है। तो ये आरएसआई इंडिकेटर में दो लाइन दिख रही है रोहित, या सो व्हाट आर दिस टू लाइन, जो व्हाइट लाइन है जो हमारा ट्रेडिशनल आरएसआई रहता है वो है, एंड व्हाट इज येलो लाइन इज बेसिकली मूविंग एवरेज ऑफ आरएसआई। तो हमारे लिए मूविंग एवरेज का बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जो हम प्राइस पे लगाते हैं, राइट। जैसे मैं इसमें इंडिकेटर प्लॉट करूं एडिशनल मूविंग एवरेज, तो इट विल गो ऑन द प्राइस, ये यहाँ पर हमारा प्राइस के ऊपर मूविंग एवरेज बन गया। मैक्सिमम पीपल नो दैट मूविंग एवरेज इज यूज्ड ऑन प्राइस, बट मूविंग एवरेज ऑल्सो कैन बी क्रिएटेड ऑन द इंडिकेटर, सो इट इज वी कैन से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। पहले तो आरएसआई बन रहा है प्राइस से, ठीक है, और फिर वो जो आरएसआई बन रहा है उसके ऊपर हमने मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है। तो हम ये दोनों चीजें यूज करने वाले, ये क्यों यूज करने वाले, इसका रीजन बताता हूँ कि आरएसआई जो रहता है इट इज क्वाइट फास्ट एंड एरेटिक, ठीक है। जैसे एक बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ गया तो आरएसआई इमीडिएटली ओवरबॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद में अगर इमीडिएटली निगेटिव रेड कैंडल आ गया तो वो वापिस से तुम्हारा जो मिडल जोन है अराउंड 50-60 के आसपास दिखाई देगा, ठीक है। तो रॉ आरएसआई इटसेल्फ इज वेरी वोलेटाइल, उससे बेटर डिसीजन मेकिंग होता है हमारा आरएसआई एवरेज जो है वो। तो इसमें बेसिकली स्मूथनिंग हो जाता है जो ट्रेंड है वो, और इसमें अर्ली एग्जिट होने के चांसेस कम है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो आरएसआई जनरली हम क्या बोलते हैं, आरएसआई ओवरबॉट हो गया मतलब कि वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो इट इज बेटर टू बुक प्रॉफिट। बट यहाँ पे देखेंगे अभी आरएसआई जो ओवरबॉट जनरली जोन कंसिडर होता है 70, तो यहाँ पर रॉ आरएसआई ओवरबॉट हो गया, लेकिन उसके बाद में भी ये ट्रेंड चला है, ओके। तो उसके बाद में भी इमीडिएट कोई रिवर्सल नहीं आया और वो पीरियड में आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हम रॉ आरएसआई ओवरबॉट की तरफ ध्यान देंगे तो वहां पर अर्ली एग्जिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वी बेसिकली यूज दिस आरएसआई एवरेज। सो व्हाट वी डू हियर इज आरएसआई एवरेज को हम ओवरबॉट होने देंगे, इट्स वैल्यू शुड गो अबाउट 70, और फिर ये आरएसआई एवरेज ओवरबॉट जोन में जाने के बाद में जब रॉ आरएसआई एवरेज को नीचे कट देता है, दैट इज अवर पॉइंट टू बी कॉशियस, ठीक है। तो आप अगर मल्टीपल लॉट होल्ड कर रहे, अगर सिंगल लॉट होल्ड कर रहे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपका कैपेसिटी ज्यादा है तो दिस इज अ वार्निंग सिग्नल कि यहाँ से तुम्हारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जनरली इसका जो रॉ आरएसआई जब आरएसआई एवरेज के नीचे चला जाता है तो वो होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल जो रहेगा उसका हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं। तो ये कैंडल पे रॉ आरएसआई को, रॉ आरएसआई ने आरएसआई एवरेज को नीचे कट दे दिया, आरएसआई एवरेज ओवरबॉट थी, तो यहाँ पर हमारा एक थोड़ा सा वी कैन से कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो गया कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसके बाद की जो कैंडल बनी इसको या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, अगर किसी का रिस्क कैपेसिटी नहीं है, जैसे बहुत सारे जो रिटेल है तो इनका इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, अभी यहाँ से ये 2900 से लगभग 70-80 रुपीज का मूवमेंट हो गया है, लॉट साइज है 300, तो इसका जब कैश में 80 रुपीज का मूवमेंट हो गया है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एटीएम स्ट्राइक हमने लिया था वो एटलीस्ट 40-50 रुपीज मूवमेंट हो जाएगा, राइट। और लॉट साइज अगर 300 है तो फिर 300 इंटू 40 रुपीज बोला तो 12,000, विच इज क्वाइट रीजनेबल मनी फॉर पर्सन हु इज हैविंग अ स्मॉल अमाउंट, अ स्मॉल अकाउंट, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में जनरली ये रहता है कि एग्जिट बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपने टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो अगले दिन ही आपका पूरा जो प्रॉफिट देखा था वो सब चला जाने का पॉसिबिलिटी रहता है। सो इट इज बेटर टू बुक लिटिल बिट अर्ली देन कीप ऑन होल्डिंग। तो जिसका कैपेसिटी कम है या एक ही लॉट बाय किया है तो दे कैन बुक प्रॉफिट हियर। Somebody is buying multiple lots, जैसे किसी ने 10 लॉट खरीदे हैं तो पार्शली ही कैन बुक द प्रॉफिट एंड देन ही कैन ट्रेल द रिमेनिंग एज पर द
डीसी। तो इसको जो एग्जिट है इसको इस तरह से मल्टीपल एग्जिट में ब्रेक कर सकते हैं कि पहला एग्जिट आप जब यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जिट सिग्नल RSI पे वहां पर बुक कर लो, उसके बाद में ट्रेलिंग काफी टाइट कर दो, तो ये फर्स्ट ट्रेलिंग पॉइंट ये हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम वापस से RSI ने यहाँ पे कट दिया था, ये कट होने के बाद में और एक कैंडल वेट करेगी और फिर ये कैंडल का लो जो रहेगा वो ट्रेलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगेन थर्ड टाइम इट गेव द RSI रॉ RSI कट बिलो द RSI एवरेज एट दिस पॉइंट, तो ये कैंडल हो गया, उसका नेक्स्ट कैंडल हो गया, ये दो कैंडल के लो के नीचे ट्रेल करेंगे, यहाँ पे हमारा फुल एंड फाइनल पोजिशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइट? या सो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी यू हैव, इफ यू आर हैविंग ओनली डूइंग ओनली वन लॉट, तो इट इज बेटर कि पहले जहाँ एग्जिट सिग्नल मिला हो वहाँ पे एग्जिट हो जाओ, बाद में फिर रिग्रेट मत करो। और अगर मल्टीपल लॉट है तो ब्रेक दैट एग्जिट इनटू स्टेजेस, पहला जो है एक थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो और उसके बाद में उसको ट्रेल करते रहो। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेटेजी है इसको हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो हमने टू टाइम फ्रेम अप्रोच जो देखा है इसके एडवांटेज क्या है, तो जो मैंने बोला कि ओवरऑल आप कितना पैसा बनाने वाले हो ये डिपेंड करता है एक्सपेक्टेंसी पे, और एक्सपेक्टेंसी सिंपली ये है कि आपने एक रुपए का रिस्क लिया है तो आपको उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट मिला है, दैट इज एक्सपेक्टेंसी। ये डिसाइड करने वाले जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एक विन रेट है और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड। तो ये टू टाइम फ्रेम अप्रोच जो है इसका बेनिफिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा है, ठीक है, तो उसके वजह से हम ट्रेंड के अगेंस्ट पोजिशन नहीं ले रहे, ट्रेंड के फेवर में ले रहे, तो हमारा विन रेट ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हमने ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसमें कोई भी पॉइंट पे जंप नहीं कर रहे ट्रेंड में, वी आर वेटिंग फॉर अ लो रिस्क एंट्री पॉइंट। अब लो रिस्क एंट्री पॉइंट लेने से क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस काफी टाइट है तो वहां पे रिस्क कम हो गया, ठीक है। और दूसरा, हमने पुल बैक में मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उसमें जब वो नीचे आया प्राइस तो हमने वहां पर एंटर किया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट फुल जो उसका नेक्स्ट स्विंग रहेगा या नेक्स्ट इम्पल्स वेव रहेगा फॉर नेक्स्ट 3 to 5 days वो हमने पूरा कैच करना है, तो वहां पर हमारा रिवार्ड बढ़ गया। तो ये बेसिकली ट्विन टाइम का अप्रोच है, अप्रोच की वजह से ये दोनों बेनिफिट होते हैं कि विन रेट ज्यादा रहेगा, रिस्क रिवार्ड ज्यादा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। दूसरा, इसका जो अप्रोच है इसमें कोई भी सब्जेक्टिव चीज कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव होने के वजह से लाइक यू डू अल्गो, सो यू नो दैट इन अल्गो यू नीड अ वेरी कॉन्क्रीट डिसीजन पॉइंट्स, राइट? या तो यहाँ पर भी ये स्ट्रेटेजी में जो डिसीजन पॉइंट्स है वो हमारे काफी कॉन्क्रीट है, उसके वजह से इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो जनरली न्यू कमर्स या रिटेलर्स में होता है कि प्राइस देख के ललचा जाते हैं तो ऊपर बाय कर लेते हैं, फिर जब पुल बैक आता है जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो आपको ट्रेंड अच्छा लग रहा है लेकिन उसमें 3-4-5 दिन का पुल बैक आना ही है, तो आपने जब प्राइस स्ट्रांग था वो टाइम पे एंटर हो गए, फिर उसके बाद 3-4 दिन का पुल बैक आ गया तो वहां पे फिर पैनिक करके फिर पोजिशन एग्जिट कर दी, तो इमोशनल डिसीजन मेकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सिस्टम में क्या होता है कि इट रिड्यूसेस योर इमोशनल डिसीजन मेकिंग विच मेक्स दिस सिस्टम सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। अभी इसमें देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली कैसे करना है, तो इसमें जनरल गाइडलाइंस में बता रहा हूँ। अभी हमने स्ट्रेटेजी पूरी कवर कर ली कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर पुल बैक के लिए कैसे वेट करना है, उसके बाद में पुल बैक आइडेंटिफाई करने के बाद में नीचे के टाइम फ्रेम पर जाके उसमें एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है और प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो ये कंप्लीट एक ट्रेड का जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है वो हमने डिसीजन ले लिए। उसके अलावा आपका जो अकाउंट है उसके बेसिस पे आपको जो डिसीजंस लेने हैं कि कितने लॉट्स लेने हैं, कितने स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना है, जैसे रिलायंस में भी लेना है, ICICI में भी लेना है, SBI में भी लेना है, हर जगह पोजिशन लेना है, तो आपको जो पोजीशन है उसको आप कैसे रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैनेज कैसे करोगे। तो जनरल गाइडलाइंस इसकी मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी ऑप्शन प्रीमियम बाय कर रहे हो तो कंसिडर 50% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम एज रिस्क, ठीक है? इसका रीजन क्या है कि आप पोजिशनल ऑप्शन बाय कर रहे हो, मतलब आप आज आपने बाय किया तो आप एट द एंड ऑफ द डे इसको क्लोज नहीं करने वाले, इसको कैरी करने वाले, राइट? तो यू आर कैरिंग दैट ओवरनाइट रिस्क। अब मान लो ओवरनाइट फॉर सम रीजन, या तो ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट निगेटिव हो गया, आपने कॉल बाय कर रखा है और यूएस मार्केट निगेटिव होगी, या फिर वो स्टॉक में कुछ ओवरनाइट न्यूज रहेगा उसके वजह से इफ इट ओपन्स गैप डाउन, देन इट इज अ पॉसिबल कि आपके गैप डाउन में जो आपने कल का जो प्रीमियम चल रहा था उससे 50% रिडक्शन हो जाए, सीधा हो जाएगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, जब सीवियर गैप डाउन होता है वही टाइम पे आपका इतना लॉस इरोजन होगा,
बट इट इज बेटर सेव देन सॉरी इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. तो आप मान के चलो कि आपने जो प्रीमियम मार्केट में दिया है वो कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए, तो उसका 50% इज अ रिस्क प्रीमियम. तो 50% आप उसको स्टॉप लॉस मान के चलो. एक्चुअली इज इट 50% में नहीं होगा, ये काफी कम में होगा, क्योंकि जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि आपके फेवर में प्राइस जाता है, तो विद इन 2-4 hours अगर प्राइस फेवर में चला गया तो स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाता है, तो वो ट्रेड में का रिस्क जो है वो खत्म हो गया. ठीक है, बट इनिशियल स्टेज में हम समझ के चले गए कि 50% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम इज रिस्क. और दूसरा चीज इसमें ये रहता है कि एक जैसे एक लूजिंग स्ट्रीक बोलते हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, मान लो कि मार्केट चौपी है या मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन हमको स्ट्रेटेजी तो वेल डिफाइंड है, तो स्ट्रेटेजी तो चलाना है. तो कोई कोई साल में एक आधे बार ऐसा बैड फेज आ जाता है कि आपके सारे के सारे ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, आप कुछ भी कर लो लॉस में जा रहे हो, कॉल बाय करो, पुट बाय करो, इनिशियली थोड़ा बहुत मूवमेंट दे देगा, फिर उसके बाद में चला जाएगा. तो जनरली एक ऐसा स्टैटिस्टिक है कि जो 60% विन रेट या 50-60% वाला विन रेट सिस्टम रहता है, उसमें लूजिंग स्ट्रिक कितना हो सकता है, तो 16-20 ट्रेड जो है वो एक के बाद एक लॉस में जा सकते हैं. तो आप ऐसा कंसिडर करके चलो कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, तो आप ये सिस्टम से ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा फेज भी आ सकता है जहां पे आप कंटिन्यूअसली 20 ट्रेड लॉस में देख रहे हो. ठीक है, फिर ये वो फैक्टर है, इसको कंसिडर करके आपको आपकी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बिल्ड करनी है. तो एक एग्जांपल देंगे कि कुछ बोल रहे हो रोहित? नहीं नहीं. हाँ, तो ये दो फैक्टर के बेसिस पे हम पोजीशन साइज डिसाइड करेंगे. मान लो एक लॉट आपने लिया है, कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, उसका प्रीमियम है 25,000, तो उसमें रिस्क कितना रहा कंसीडर करके चलेंगे. थ्योरेटिकल रिस्क 12,500 हो गया. ठीक है, तो 12,500 रिस्क पर ट्रेड हो गया. अब इसको हम मान लो कि 12,500 हर ट्रेड में हमारे जाने वाले अगले 20 ट्रेड में, तो इसमें ड्रॉडाउन रिस्क क्या हो गया? 25,000, 2.5 लाख का ड्रॉडाउन रिस्क हो गया. ठीक है, तो आप समझ लो कि आप ये सिस्टम लगा रहे हो और इसमें ये मान के चल रहे हो कि इतना ड्रॉडाउन का पॉसिबिलिटी है, तो यू हैव टू कंसीडर दैट दिस इज गोइंग टू बी योर वर्स्ट केस ड्रॉडाउन. अब ये ड्रॉडाउन आपको अपने कैपिटल पे कितनी लेनी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको लॉट्स कितने लेने हैं और किस स्ट्राइक पे काम करना है. लाइक समबडी इज हैविंग 10 लाख का अकाउंट, और उसमें अगर वो बोलता है कि 2.5 लाख का लॉस हो गया, मतलब 25% तक का वो ड्रॉडाउन आ जाएगा उसमें, तो ही हैज टू डिसाइड कि 25% का ड्रॉडाउन उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं. अगर नहीं है तो फिर उसको जो क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम जो है वो और भी कम प्रीमियम वाले लॉट्स देखने होंगे, जो कम वोलेटाइल है, जिसका लॉट साइज कम है, कि उसका पर ट्रेड रिस्क वहां पे कम हो जाए. और कोई कोई कंफर्टेबल रहता है कि मेरा 10 लाख का अकाउंट है और मुझे पता है कि ये सिस्टम में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी है, तो मैं 50% तक का भी अकाउंट ड्रॉडाउन देखने के लिए रेडी. ठीक है, अब डायरेक्शनल सिस्टम में ड्रॉडाउन की एक्सपेक्टेशन तुमको थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है. इंट्राडे जो सिस्टम्स रहती है जहां पे हम टाइट स्टॉप लॉस या हेज लेके चलते हैं, तो वहां पे ड्रॉडाउन का लेवल जो रहता है वो कम रहता है. जैसे ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर है जो जनरली 10% के ऊपर ड्रॉडाउन नहीं जाती है. यस, ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है आपको ड्रॉडाउन कितनी लेनी है और उसके हिसाब से अपनी पोजिशन साइज डिसाइड करनी है. तो 25% तो पकड़ के चलो कि ड्रॉडाउन इतना कंसिडर करना है. आराम से ऑप्शन बाइंग के अंदर मैंने भी कुछ एल्गोरिथम्स भी रन करके देखे थे. 50% तक का तो जो ड्रॉडाउन था वो बड़ा इजीली आ रहा था उसके ऊपर. हाँ, दूसरी चीज है आ सकता है और उसको कम करना है तो फिर तुमको और भी कम रिस्क लेके काम करना है. यस, और जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत फैक्टर बता रहा हूँ कि 50% हर ट्रेड में लॉस हो गया और 20 कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक आ गया, ऐसा बहुत रेयरली होता है. ठीक है, बट वेन यू आर डिजाइनिंग द सिस्टम यू हैव टू कंसिडर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि क्या हो सकता है और उसके हिसाब से सिस्टम बिल्ड करो. मैं जनरली जो मैं खुद अपने अकाउंट पे रन कर रहा हूँ तो 10-15% मैंने वर्स्ट केस ड्रॉडाउन देखा है, उससे ज्यादा जनरली नहीं देखने को मिलता है इफ यू वर्क प्रॉपरली. बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि 25% ड्रॉडाउन आ सकता है और कोई एग्रेसिवली कर रहा है, जैसे किसी का 10 लाख अकाउंट है और वो बोल रहा है कि मैं 50% ड्रॉडाउन देखने के लिए रेडी हूँ, तो 5 लाख तक का मेरा ड्रॉडाउन मुझे चल जाएगा, तो देन ही कैन ऑब्वियसली गो विद द 2 lots. मतलब एक लॉट के जगह तुम 2 lots पे काम करो तो फिर तुम्हारा जो एग्रेसिव ड्रॉडाउन के लिए तुम रेडी है, तो उसके हिसाब से अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हो. अब ये ट्रेडर टू ट्रेडर वेरी होता है कि उसने कितना रिस्क लेना है. ओके, ठीक है,
तो इट इज अप टू योर रिस्क प्रोफाइल हाउ मच ड्रॉडाउन यू आर विलिंग टू टॉलरेट एंड उसके बाद में पोजिशन कैलकुलेट करो. अगर रिस्क प्रोफाइल अपना स्ट्रांग नहीं है, रिस्क लेने का तैयारी नहीं है, तो एक एक लॉट पे ही काम करो. और भी जो लॉट साइज जिसके कम है या जिसमें वोलेटिलिटी कम है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसे स्टॉक्स में काम करो. और आपको एग्रेसिवली करना है देन यू कैन गो टू दिस मिड कैप स्टॉक्स ऑल्सो, जिसमें काफी अच्छा मूवमेंट मिलता है. मतलब 2 दिन में 5 या 10% का स्टॉक में मूवमेंट आ जाता है. तो ऑप्शन प्राइस वहां पे हमने लिया तो वो 2 times, 3 times, 4 times भी हो सकता है. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन योर रिस्क प्रोफाइल कि तुमको कितना रिस्क लेना है उसके हिसाब से काम करो, ठीक है. और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर रिस्क एपेटाइट तुम्हारा परमिट नहीं करता है तो इसमें भी तुम सेफर स्ट्रेटेजीज बिल्ड कर सकते हो. लाइक इंस्टेड ऑफ बाइंग अ नेकेड कॉल मेक अ स्प्रेड. तो स्प्रेड में क्या है, एक बाय किया है वर्टिकल स्प्रेड में, एक कॉल बाय किया और उसके आगे का जो स्ट्राइक है उसको सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा लेकिन उसके हिसाब से रिस्क भी लिमिटेड हो जाती है. डायरेक्शनल बटरफ्लाई बनाया, डायरेक्शनल कॉन्ट्रोल बनाया, तो इसमें स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि अगर तुम्हारा रिस्क एपेटाइट नहीं है तो यू कैन बिल्ड दिस लो रिस्क इवन लोअर रिस्क स्ट्रेटेजीज एंड वर्क विद देम. और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिफाई पॉसिबल टू एटलीस्ट 5 stocks, मतलब 5 अलग अलग जगह पे पोजिशन बनाने की कैपेसिटी रखो तो यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. बिकॉज ऐसा है कि इसमें काफी सारे सिग्नल बन जाते हैं. जैसे एक दिन मैं स्कैन करने को बैठा एंड ऑफ द डे तो मुझे 5 या 10 stock मिले जो अप ट्रेंड में है और जो पुल बैक जोन में भी आए. मैं उसका नेक्स्ट डे अगर एंट्री मॉनिटर करना चालू किया तो इट इज पॉसिबल दैट इमीजिएटली इन द मॉर्निंग आई विल गेट एंट्री इन 3-4 stocks, ठीक है. अब वो 3-4 stocks जो लेके उसमें से कौन सा अच्छा रिटर्न देगा ये तो मुझे नहीं पता है, किसी को पता नहीं है, राइट. Nobody can tell upfront कि इसमें profit कौन सा stock ज्यादा देने वाला है. तो diversify करेंगे तो हमारा possibility बढ़ता है कि जो वो 4-5 stock निकलेंगे उसमें का outlier है वो भी हम catch कर पाए. अगर एक या दो stock में ही करेंगे तो ये possibility कि एक stock में किया वो stock जहां पे entry की वो नहीं चला और जहां पे entry signal आया था पर हमने entry नहीं कर पाए या नहीं किया तो वो stock चल गया. तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आउटलायर स्टॉक जो है वो कैच कर ले. और एक एडवांटेज है इसका कि पोजिशनल होने की वजह से ओवरनाइट रिस्क है तो उसको कैसे मिटिगेट करें, तो आप लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो. कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉल ऑप्शन ही बाय करनी. जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स का ट्रेंड कुछ भी होने दो, इवन इफ निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग स्टिल यू विल फाइंड दैट देयर आर स्टॉक्स व्हिच आर इन डाउन ट्रेंड जो निफ्टी की तरह ऊपर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और जैसे ही निफ्टी बढ़ना रुक गई तो उसके बाद में उनका डाउन ट्रेंड चालू हो गया. तो लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो अगर हम क्रिएट करते हैं कि आधी 3 stock की हमने कॉल ऑप्शन बाय किए, 3 stock की हमने पुट ऑप्शन बाय किए, तो इससे रिस्क काफी मिटिगेट हो जाता है बेस्ड ऑन द सिस्टम. कि मान लो कल गैप डाउन हो जाता है तो जो पुट ऑप्शन बाय की है वो अच्छी खासी अप्रिशिएट हो जाएगी तो कॉल ऑप्शन में जो लॉस हो गया वो वहां पे कवर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टम कि आप इसमें लॉन्ग शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं जो हम इंडेक्स पोजिशनल में नहीं कर सकते. तुमको या तो न्यूट्रल करना होगा या तो एक डायरेक्शन पे कॉल लेना होगा. यहाँ पे हम लॉन्ग शॉर्ट क्रिएट करके वो ओवरनाइट रिस्क जो है उसको भी थोड़ा न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर सकते हैं. और लास्ट वीक का एक्सपायरी जो तुमने बोला था कि अब मेरा 4 ही दिन का एक्सपायरी बचा है तो हमने क्या करना चाहिए, तो इट इज प्रिफरेबल दैट इन द लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी choose a next month contract or do completely risk defined strategy जिससे आपका टाइम डिके जो है वो तो न्यूट्रलाइज हो जाए या कम हो जाए. तो लास्ट वीक में अगर नेकेड कॉल बाय करने की जगह हम स्प्रेड करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, तो उसमें रिस्क रिडक्शन काफी हो जाता है. इन केस अगर वो 4 days में स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं हुई स्टिल यूर लॉस विल बी लिमिटेड, ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेटेजी खत्म हो गया. रोहित कुछ पूछना है तो पूछ लो. आपने सारी चीजें मोस्टली कवर कर दी हैं पर मेरे को 2 चीजें इसके अंदर और भी अच्छी लगी हैं. एक तो आप अगर ATM के अंदर कभी भी FNO के स्टॉक्स के अंदर काम करोगे ये आपको बात मान के चलनी, अगर मतलब वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी या फिर वन स्ट्राइक इन द मनी की भी बात करेंगे, ठीक है, तो 35-36 हजार का तो वो एक लॉट आने वाला है एटलीस्ट. हाँ, हाँ. अगर थोड़ा सा आप एक्सपायरी के पास हो तो फिर वो हो सकता है 20-22 हजार का आ जाए, राइट. ठीक है, तो 12-12.5 हजार का जो स्टॉप लॉस है वो तो हमेशा आने वाला है. नहीं, ये तो देखो वो कब आने वाला है जब तुम नेकेड कॉल ऑप्शन है, नेकेड पुट. हाँ, मतलब मैं नेकेड की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं नेकेड की बात कर रहा हूँ, तो आने वाला है. उस केस में इफ यू हैव टू कंसिडर योर वर्स्ट केस सिनेरियो,
अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तो भी आपको कम से कम 5-6 लाख की कैपिटल तो लेके चलनी पड़ेगी। यस, इफ यू आर डूइंग नेकेड देन यू हैव टू कंसीडर दिस। अगर आपको नेकेड नहीं करना तो फिर थोड़ा कम कैपिटल, मतलब 2-3 लाख में कर सकते हैं, बट इन दैट केस यू विल हैव टू डू ओनली लो रिस्क स्ट्रेटजीज लाइक स्प्रेड्स। यस, सो जो एक मिथ होती है ऑप्शन बाइंग के साथ कि हमें ऑप्शन बाइंग तब करनी है जब हमारे पास कैपिटल कम होती है, तो वो तो यहीं पे बस्ट हो जाती है, बिकॉज हमें सिस्टमैटिकली सोचना पड़ेगा इसके लिए। राइट राइट राइट। तो ये 50-60 हज़ार की गेम बिल्कुल भी नहीं है, 1 लाख की गेम बिल्कुल भी नहीं है ये। नहीं, इतना तो है नहीं, क्योंकि देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लूजिंग स्ट्रीक का, लूजिंग स्ट्रीक आती है साल में एक आधे बार सभी को लगेगी, और कम कैपिटल लेके चलते हैं, मान लो कोई 1 लाख कर लेके आया और 10-10 हज़ार का स्टॉप लॉस दिया, तो 10 ट्रेड में तो उसका कैपिटल खत्म हो गया। राइट, बिल्कुल। तो पोजीशन साइज जो है वो अपना लूजिंग स्ट्रीक जो है उसको कंसीडर करके ही पोजीशन साइज बनाना है, और 1-1.5 लाख ऐसे कैपिटल में तो नहीं करनी चाहिए ऑप्शंस। दूसरी चीज जिसको आपने भी बहुत ज्यादा अंडर प्ले किया है, बहुत ज्यादा अंडर प्ले किया आपने पूरे सिस्टम के अंदर, जिसके ऊपर हमने ज्यादा बात ही नहीं की, दैट इज 5 और 10 DMA। जो एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ है ना, वो हम लोगों ने जो 5 और 10 DMA से आइडेंटिफाई किए ना, दैट इज वेरी गुड आई थिंक, बिकॉज DMA क्या है, वो एक्चुअल में लास्ट के 10 डेज के या 5 डेज के प्राइसेस की एवरेज है। राइट, अगर कोई प्राइस 10 दिन की एवरेज से कॉन्टिन्यूसली ऊपर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर एक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, दैट इज व्हाई द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट इवन लेटिंग इट कम टू द मीन रिवर्सल। राइट, दैट मींस द स्ट्रेंथ इज ऑलरेडी देयर, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, वो ऑलरेडी भाग रहा है। यस, हम सिर्फ उसका एक पुल बैक पकड़ रहे हैं और वहां से एक ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं उसके ऊपर। राइट राइट राइट। सो हम लोग तो ऑलरेडी ट्रेंड के अंदर है और फास्ट वाले ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि जनरली जब आप देखोगे मार्केट के अंदर EMAs यूज होती हैं 8, 13, 22, फिर उसके बाद लोग 39 पे भी जाते हैं, 50 पे भी जाते हैं। हाँ। तो जब हम लोग 5-10 की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं एक एंगल ऑफ मोमेंटम की भी बात करूं, राइट, तो इट गोज स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज, स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज दैट इज गोइंग टू 70-80 डिग्री एक्चुअली। यस, सो यू कैन से जो आपके वर्टिकल मोमेंट्स है वही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यस यस, सो वो चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगी मेरे को उसके अंदर। कोई लोग उसको एलिगेटर से यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोई ADX से यूज करने की कोशिश करता है। राइट, या इट इज ऑल प्राइस एक्चुअली, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स इन टेक्निकल एनालिसिस, एक तो आप एडिशनल इसको ये लगा सकते हैं, जैसे MACD है तो MACD भी ट्रेंड बता देता है, या फिर ADX है, डायरेक्शनल जो प्लस DI माइनस DI हम कंसिडर करते हैं, तो दैट ऑल्सो टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। पर उसमें क्या होता है, जब मोमेंटम स्लैक हो जाता है ना, तो उसका सिग्नल काफी लेट आ जाता है, वेरियस यहाँ पे 5-10 DMA में क्या होता है, जैसे ही उसका मोमेंटम कम हो गया या स्लैक हो गया, तो 5 डे मूविंग एवरेज 10 डे के नीचे चली जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा इसमें मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया। और ऑप्शन बाइंग में इम्पोर्टेंट है कि डेली मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, पोजिशन मोमेंटम रहना चाहिए उसके अंदर। और दूसरा क्या है, ये फिल्टर लगाने का रीजन इसलिए कि अगर मैं सिर्फ जो हमने इंट्राडे में डोंकियन का चैनल लगा के एंट्री ली है, तो ये आप डाउन ट्रेंड के स्टॉक में भी आपको एंट्री मिल जाएगी। राइट, कोई स्टॉक बहुत पीटा है तो उसमें इंट्राडे कहीं ना कहीं तो बाय सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, तो उसमें जो फॉलो अप मूवमेंट है उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा। और ये लगाने का मतलब ये बताने का रीजन ये भी है कि मोस्ट ऑफ द न्यू कमर या जो रिटेल रहता है, उनका टेंडेंसी रहता है कि कौन से पीटे हुए स्टॉक्स हैं, तो दे आर ऑलवेज इन दैट होप कि मीन रिवर्जन, यार बहुत गिर गया अब तो इसको वापस ऊपर जाना ही है। ठीक है, तो वो टाइम पे वो कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। इवन इंडेक्स में भी हमने देखा है कि जब मार्केट नीचे नीचे जा रही है तो रिटेल में कॉल बायर्स का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, तो देयर यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड, और वहां पे आपको एक छोटा मोटा स्विंग मिल भी जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। एक तो आपकी विन रेट वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कम हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो, और दूसरा आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्राइमरी ट्रेंड नीचे है तो उसको अपसाइड जाने के लिए रेजिस्टेंस बहुत है। बहुत सारे लोग ऊपर ट्रैप हुए हैं जिनको वो एक एग्जिट के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो जैसे ही पुल बैक आएगा वहां से ऊपर ट्रैप हुए लोग सेल करेंगे, तो उसमें ट्रेंड में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये जो फिल्टर है कि जहां पे हम 5-10 डे लगा रहे हैं, तो यहां पे हमको एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन है, दूसरा उसकी पीरियड कम है, 5-10 है, मतलब ये जो वर्टिकल जो जिनका फास्ट मोमेंटम है वहीं पर हम एंटर हो गए, तो हमारा
प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बढ़ जाता है। ओके एक और चीज भी आ जाती है, आप जब बोलते हो ना कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है और मुझे वहां पे लेट्स से कॉल बाय करना है, अब तो यहां से एक बाउंस आना है, ठीक है मान गए आपकी बात कि बाउंस आना है, एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वो बाउंस आएगा कब, आएगा कब, राइट आएगा कब, सो वो भी तो एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है बीच में, और वो हो सकता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी के बाद आ जाए, राइट होल्डिंग। और ये भी होता है ना, देखो जैसे दो बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है 5-5% की कोई स्टॉक में दो दिन सेलिंग हो गई है, 10% स्टॉक दो दिन में गिर गया है, अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5% तो बाउंस बैक देना चाहिए, लेकिन होता ऐसा है जनरली कि 10% गिरने के बाद में स्टॉक अगले 4-5 दिन साइडवेज हो जाता है। यस ठीक है, तो वहां पे तुमने कॉल बाय कर ली तो तुम्हारा अपसाइड में मूवमेंट कुछ नहीं आ रहा है और टाइम लॉस तो होते जा रहा है, तो प्रीमियम डीके होते जा रही है। बिल्कुल ठीक है, तो वहां पे मान लो कि 25,000 की कॉल बाय की थी, ये भी हो सकता है 4 दिन के बाद में प्राइस जाकर वहां है लेकिन जो कॉल ऑप्शन थी वो 20,000 प्रीमियम रह गया या 15,000 प्रीमियम रह गया। तो ऑप्शन बाइंग में गलती यहाँ पे होती है कि एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट खेलते हैं और दूसरा जो टाइम लॉस है ना वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने बाय किया है तो इमीडिएटली अगले 2-3 दिन में आपके फेवर में कंसिडरेबल मूवमेंट लगनी चाहिए, नहीं लगेगी तो प्राइस वहां का वहां रहेगा तो भी लॉस होना है। ठीक है, बाकी आई थिंक जफर भाई आपने सारी चीजें इसके अंदर बड़ी अच्छी कवर कर दी हुई हैं। मैं पर्सनली खुद स्टॉक ऑप्शन सेलिंग ज्यादा करता हूँ, इंडेक्स के अंदर मैं ट्रेड तभी लेता होता हूँ डिस्क्रिशनरी में व्हेन आई हैव अ क्लियर डायरेक्शन विद मी। सो कोई एक साल हो चुका है मुझे जब मैंने वो पर्टिकुलर चीज बंद कर दी हुई है जहां पे वी वर ट्रेडिंग एवरी टाइम एंड देन मैनेजिंग द पोजीशंस, मुझे लगा वो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा था। तो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई विल ट्राई आउट। डॉन्चिन चैनल को मैंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है जब आपने मुझे इसके पैरामीटर्स दिखाए तो एक मिनट के लिए मुझे बॉलिंजर बैंड जैसा लगा था। बहुत सारे इंडिकेटर काफी सिमिलर लगते हैं एंड इफ यू प्ले अराउंड विद पैरामीटर्स तो ऐसा होता है कि दो इंडिकेटर तुमको सेम जैसे तुम बना सकते हो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पोस्ट दिस वीडियो एंड आई विल पुट यू इनटू द डिस्क्रिप्शन, तो अगर कोई क्वेरीज आएंगी तो फिर उसको आप डायरेक्टली देख लेना एक बारी। ठीक है, बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग दिस सेशन, आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द व्यूअर्स एंड आई विल लव टू हैव अनदर सेशन विद यू, उसके बारे में भी मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जरूर 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 करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय बाय।